हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चटपटी रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुंदरू की सूखी सब्जी, एकदम चटपटा और टेस्टी। तो चलिए जान लेते हैं कि कुंदरू की सूखी सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए और ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मैंने कुंदरू लिया है 1 पाव, आप आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। इसे मैंने अच्छे साफ से धो लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 चुटकी हींग लिया है, हींग आप ले सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 छोटे साइज़ का प्याज लिया है और इसे बारीक लंबे आकार में कट कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच साइज़ के तेल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, मैंने रिफाइंड तेल लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है नमक स्वादानुसार, जीरा ले लिया है 1/2 चम्मच, ये देखिए साबुत जीरा मैंने ले लिया है, हल्दी 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर ले लिया है 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट तैयार किया है, चटनी आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं, ये बहुत टेस्टी बनता है इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने ले लिया है गरम मसाला 1/2 चम्मच। तो चलिए शुरू करते हैं कुंदरू की सब्जी बनाना। तो सबसे पहले हम कुंदरू को कट कर लेंगे लंबे आकार में, पतले पतले दोनों साइड का हम निकाल लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे, सारे इसी तरीके से हम कट कर लेंगे पतले पतले। तो ये देखिए हमने सारे कट कर लिए हैं बारीक, ये देखिए पतले पतले आकार में मैंने कट कर लिया है। चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई, कढ़ाई गर्म हो गई है तो अब हम इसमें तेल डाल देंगे 2 चम्मच से बड़े चम्मच से 2 चम्मच। गरम कर लेते हैं तेल को, तेल हमारा गरम हो गया है, आँच को हम रखेंगे मीडियम। और अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, हींग भी हम डाल देंगे, तड़कने देते हैं थोड़ा सा। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, चला देते हैं और हल्का सुनहरा होने तक इसे हम फ्राई करेंगे, हल्का सुनहरा होने तक, ज़्यादा नहीं, 3 मिनट तक। तो ये देखिए 3 मिनट तक हमने इसे पका लिया है, हल्का सुनहरा होने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुंदरू, मिला लेते हैं और आँच को हम मीडियम ही रखेंगे। अब चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है इसमें तो। और अब हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए इसे, ऐसे ही पकने के लिए मीडियम आंच पे, और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, 2 बार हमने चेक कर लिया था, चलिए फिर से हम देख लेते हैं। और ये देखिए थोड़ा पक गया है, तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो हल्दी 1/2 चम्मच हम डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर तीखे के अनुसार आप ले सकते हैं 1/2 चम्मच। और यहाँ पे हम लहसुन और हरे मिर्च की चटनी हम डाल देंगे 1/2 चम्मच, आप तीखे के अनुसार ले सकते हैं। और साथ में ही हम डाल देंगे गरम मसाला, आप चाहे तो धनिया पाउडर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक स्वादानुसार हम डाल देंगे और आँच को हम रखेंगे मीडियम, इसे मिला लेते हैं। और अब हम ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसी तरह हम पकाएंगे 7 से 8 मिनट तक हम पकाएंगे चलाते हुए, ताकि अच्छे से पक जाए और मसाले भी अच्छे से पक जाएं। तो 7 से 8 मिनट तक हम इस तरह चलाते हुए पकाएंगे, ढक्कन नहीं लगाएंगे। 3 मिनट हो गया है, चला लेते हैं और इसी तरह पका लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं तो चेक कर लेते हैं, ये देखिए और 2 से 3 मिनट तक हम पका लेंगे, चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 मिनट तक अच्छे से पका लिया है, 3 मिनट बचा था तो वो भी हमने पका लिया है।
और ये देखिए हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी जैसे बनी है, एकदम टेस्टी बनी है। तो चलिए हम सर्व कर देते हैं और गैस को हम बंद कर देते हैं। तो ये देखिए हमने सर्व कर दिया है, हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है कुंदरू की, एकदम टेस्टी और चटपटी बनी है। इसे आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना है। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।